ब्रेक के बाद आप तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं सलामत अली। आगे बढ़ते हैं देश और दुनिया की बात, अब बात करते हैं मुंबई की। आइए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है मुंबई में। श्री आरवी फिल्म्स के बैनर तले बन रही हिंदी फिल्म का दूसरा शेड्यूल मुंबई से सटे नायगांव में बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। मुंबई शहर के उपनगर दिंडोशी विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 39 के राष्ट्रीय समाज पक्ष, भाजपा, आरपीआई, शिव संग्राम महागठबंधन के स्थानीय सेवा भावी प्रत्याशी सुमन इंद्रजीत उर्फ पप्पू सिंह के समर्थन में भव्य सभा आयोजन गोकुल नगर कलीपूर्व में हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने लोगों को संबोधित किया। मतलब आज कमल का फूल खिलाना है 21 तारीख को। कमल का फूल मेरा वो नहीं है, मुझे राष्ट्रीय समाज पक्ष से टिकट मिला है, इसलिए मेरी निशानी सिलाई मशीन है। उस पे बोले कि मतलब सिलाई मशीन से ही लक्ष्मी जी को कपड़ा पहना करके उनको पहला वो भेंट दिया जाता है, इसके लिए सिलाई मशीन को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए और सब जनता को अनुरोध भी किए हैं कि उन सुमन जी को विजयी बनाए। बहुत खुशी है, उन्होंने मतलब इतना अच्छा भाषण दिया, वो राष्ट्रीय वो प्रवक्ता है तो इसलिए इतना अच्छा भाषण भी दिए और सभी पब्लिक लोग काफ़ी उनसे उत्साहित हुए और बहुत कुछ बोल के बहुत अच्छा चीज़ें बोल करके गए हैं। अच्छा समर्थन मिल रहा है क्योंकि मैं नई नई हूँ यहाँ के लिए, सभी लोग मेरा चेहरा, मेरे पति का चेहरा सभी लोग जानते हैं क्योंकि मैं ही एक ऐसी हूँ उम्मीदवार जो यहाँ की स्थानिक हूँ, सभी लोग बाहर से आया हुआ, इसलिए जो भी हैं मैं यहाँ की बहू हूँ तो सब मुझे बहू ही करके बुलाते हैं, बेटा करके बुलाते हैं, सब मुझे गले लगाते हैं। अभी तक तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं दूसरों के घरों में जा रही हूँ, लगता है कि मेरा ही घर है ये। कि यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा होगा मैडम, हमारे एरिया में पानी की बहुत तकलीफ है, आप अगर सर्वे करेंगी हमारे एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हम औरतें कलसीज पे उठा उठा खिलाते, एक ऐसी ही लेडीज है पूरे एरिया में, आप किसी से सर्वे करके देखिए, ये अपना पानी नहीं लेकिन ऐसा लाइन लगा के पूरे पब्लिक को पानी देती है मैडम जी। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हम लोग शुरुआत से बीजेपी के एक बहुत बड़ा होल्ड है, यहाँ पे बीजेपी के लोग हैं यहाँ पे, और ये जो राष्ट्रीय समाज पक्ष को यहाँ से टिकट दिया गया है ये कुछ ऐसा है कि एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो पहले से ही सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कामों में सक्रिय रहा है, यहाँ के जो और भी गुंडा तत्व रहे या जो भी रहे, जो भी कठिनाइयाँ रही हैं उससे लड़ता रहा ये व्यक्ति, और उसके पास ये टिकट आया इसलिए बीजेपी के लोगों में बड़ा ही उत्साह हुआ। दूसरी बात यह है कि इनके पास एक युवा की बहुत बड़ा टीम है, जो भिन्न भिन्न पार्टियों में काम करने वाले लोग थे, कांग्रेस में काम करने वाले लोग थे, अन्य पार्टियों में काम करने वाले लोग थे, ऐसे युवा भी इनके साथ हैं और बीजेपी पूरे उत्साह में है इस सीट को जीतकर लाने के लिए। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर सक्रिय है। रहमान खान जी है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि कम से कम यहाँ के नागरिक, यहाँ के रहने वाले को इलेक्शन में लड़ने के लिए, नगर सेवक का चुनाव लड़ने के लिए उनको एक बार मौका मिला है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ और अपने जितना भी हमारी जनता का यही आवाज़ है कि एक बार अपने नागरिक नगर सेवक चुन के लाऊँगा, क्योंकि हम लोगों ने कई सालों से दूर दूर के क्रांति नगर के क्षेत्र छोड़ करके, जैसे लोखनवाला हो गया, कहीं अपना कुराड़ विलेज हो गया, मलाड़ हो गया, दूर दूर से नगर सेवक आए यहाँ बन के गए। हम लोग कोई भी समस्या होता था तो यहाँ से होकर के वहाँ जाना पड़ता था, फिर कभी कभी वो ऑफिस बंद होता था तो वापस हमको लौट के आना पड़ता था। लेकिन हम इसलिए अपने नगर सेवक और अब यहाँ के नागरिक क्यों चुनना चाहते हैं कि कभी भी कुछ भी आधी रात को भी अगर कुछ होगा तो हम 12 बजे रात को, 2 बजे रात उनका दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ। जी, युवाओं को जोड़ने के लिए हम ये कर रहे हैं कि जैसा आप जानते हैं इस महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी, वो भी काफ़ी युवा हैं और उन्होंने जो एक आह्वान किया है, एक नई क्रांति का जो उन्होंने आह्वान किया है, पारदर्शी मनपा जिसके लिए चाहिए भाजपा, तो उस पारदर्शी मनपा की क्रांति का जो आह्वान है, उस क्रांति में, उस यज्ञ में, क्रांति के यज्ञ में जो पहला
डाला जाएगा जो है यज्ञ में घी, वो घी क्रांति नगर की तरफ से वार्ड क्रमांक 39 जिता के डाला जाएगा। सुमन सिंह को यहाँ से अपार जड़ समर्थन मिल रहा है क्योंकि यहाँ से वो लोकल कैंडिडेट हैं, बाकी जो भी कैंडिडेट हैं वो सब बाहरी कैंडिडेट हैं। डॉक्टर सुमन गुप्ता वो समाजवादी से चुनाव लड़ करके यहाँ पर आई है, पैसे के बल पर उनको यहाँ से टिकट मिला हुआ है। सुमन सिंह यहाँ लोकल कैंडिडेट हैं और पप्पू सिंह जो है जन्म से यहाँ पर हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं और 24 घंटा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। रात दिन कभी वो समय का ध्यान नहीं देते हैं कि रात को कोई 2 बजे उनको फ़ोन किया है कि 3 बजे फ़ोन किया है कि दोपहर में फ़ोन किया है कि उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, वो 24 घंटा लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। इसके लिए हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगर सुमन इंद्रजीत सिंह यहाँ से चुन करके आती है।